फाइनली दोस्तों हाजिर है आप सभी के सामने 2024 की न्यूली रीलॉन्च हीरो ग्लैमर 125 क्लास एक ड्रम ब्रेक का एलईडी वाला बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। इसमें कंपनी ने 8 बदलाव किए हैं। कौन कौन से नए अपडेट किए हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, प्राइस बढ़ने के बाद इसकी नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके पहले सबसे बड़े बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब इस ग्लैमर 125 ओल्ड वाले मॉडल में भी आपको हैजर्ड वाला फीचर्स मिलता है। इसके दोनों इंडिकेटर एक साथ जलने वाले हैं। अब ये वाला जो फीचर्स है वो भाई आपको बजाज की किसी भी बाइक में इस सेगमेंट में, क्या मतलब कि 250 cc वाली बाइक में भी ये वाला फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। अगला बदलाव ये है कि दूसरा सबसे बड़ा वो ये है कि यहाँ पर अब आपको इस बाइक की हेडलाइट में आपको ऑल LED का सेटअप मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आपको एच शेप की LED वाली DRL मिल जाती है जिसमें हीरो का एच आपको नज़र आने वाला है। अब इस हेडलाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस बाइक को अंधेरे में चलाओगे तो रोशनी के मामले में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ऊपर में आपको लो बीम के साथ LED वाला सेटअप मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्रोम का टच दिया गया है, जबकि पुरानी वाली जो ग्लैमर 125 क्लासिक आती थी उसमें सिर्फ आपको हेलोजन वाली हेडलाइट मिलती थी, जिसकी रोशनी आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी जितनी आपको ये हेडलाइट आपको देने वाली है। यहाँ पर सिल्वर और आसमानी कलर के आपको न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स मिलते हैं। बाकी इसका जो वाइजर है इसमें कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं की गई, ये वही ओल्ड क्लासिक वाला यहाँ पर वाइजर दिया गया है। अब इस बाइक में अगला तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि यहाँ पर जो राइट वाली स्विच की असेंबली है ये पूरी की पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है रेड कलर में, ये भी पूरा बदल चुका है। और चौथा बदलाव ये है कि भाई यहाँ पर i3s का जो बटन है इसको नए तरीके से यहाँ पर न्यू डिजाइन के साथ यहाँ पर पेश करके यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। पहले वाले मॉडल में यहाँ पर जो i3s का बटन है वो यहाँ पर आपको मिलता था मीटर में, ठीक है। और पांचवा अपडेट ये है कि यहाँ पर जो लेफ्ट वाली स्विच की असेंबली ये भी पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर आपको मिलता है भाई पासिंग का बटन, यहाँ पर अपर डिपर का सेपरेट बटन है, और यहाँ पर इंडिकेटर ये है हॉर्न का बटन। इसका जो क्लच का लीवर है ये भी काफ़ी हल्का है, लेकिन इसमें आपको कोई भी बार एंड वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर हैजर्ड वाला फीचर्स दिया गया। अब इसके अगले अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो पूरा का पूरा मीटर है ये भी बदल चुका है। ये वही वाला मीटर जो आपको पैसन एक्सटेक 110 cc में दिया जाता है, इसमें आपको पूरा का पूरा डिजिटल वाला मीटर मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इस तरह के फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल गॉज आपको मिल जाता है, और स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर आपको मिल जाएगा, और बाकी इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाता है, और इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, और इसमें आपको रेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बात करें तो तकरीबन ये बाइक आपको 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको 1 लीटर पेट्रोल में देने वाली है। टॉप स्पीड की बात करें तो भाई इसकी जो लास्ट टॉप स्पीड है वो है 116 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, क्योंकि ये जो इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइन माना जाता है। यहाँ पर लो फ्यूल, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, i3s और चेक इंजन, हेडलाइट, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिल जाती है। अब इसके पांचवें सबसे बड़े अपडेट की अगर मैं बात करूं तो ये नई वाली ग्लैमर ओल्ड क्लासिक का जो टेल लाइट का जो पूरा का पूरा सेटअप है ये भी बदल चुका है। ये वही वाली टेल लाइट है जो आपको ग्लैमर 125 एक्सटेक वाले मॉडल में मिलती है, जिसमें हीरो का एच आपको हेलोजन के रूप में यहाँ पर नज़र आने वाला है। बाकी ये जो ऊपर वाली फेयरिंग है टेल लाइट की ये भी पूरी की पूरी बदल चुकी है, ये भी एक नया पार्ट है। यहाँ तक कि जो इसके काउल वगैरह हैं ये भी टोटल इसमें नए डाले गए, जो कि आप इसका छठवां अपडेट मान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्रोम इंसर्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर, वाइट कलर और इसमें आसमानी कलर के आपको काफ़ी शानदार ग्राफिक्स मिल जाते हैं। i3s टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, हीरो की ब्रांडिंग आपको मिलती है। अब इसकी जो सीट है वो भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, और इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है, और इसमें जो 790 mm की जो सीट हाइट मिलती है, जिसकी वजह से कम हाइट वाले भी इसको आसानी से चला सकते हैं। पीछे में जो ग्रैब हैंडल है ये भी आपको बॉडी कलर के साथ मिलता है, यहाँ पर हीरो का स्टिकर है, और ये 24 अक्टूबर 2024 को लेटेस्ट का ही मॉडल है, जैसा कि मैन्युफैक्चर होकर आई है। पीछे वाला जो मडगार्ड है ये वही का वही है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, लेकिन ये वाला पार्ट है ये भी टोटल अलग है। हेलोजन वाले इंडिकेटर आपको मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ। नंबर प्लेट के लिए भी यहाँ पर आपको एक हेलोजन वाली छोटी वाली लाइट मिल जाती है। और इस बाइक का सातवां अपडेट ये है कि भाई यहाँ पर जो एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है ये भी पूरी की पूरी बदल चुकी है। चाहे आप इसका पीछे वाला एलॉय देख सकते हैं, चाहे आप इसका आगे वाला एलॉय देख सकते हैं। यहाँ पर जो टायर का साइज है वो रहने वाला है 80/100/18 का। आगे वाले टायर की जो चौड़ाई है वो आपको 80 mm की मिलती है, और 30 mm के यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें, जैसा कि ये बेस वाला मॉडल है तो इसमें आपको 130 mm की नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलती है, जिसमें आपको कंबाइंड कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को दबाते हैं तो कुछ परसेंट इसकी आगे वाली ब्रेक भी एक साथ काम करती है। आगे वाला जो फेंडर है ये भी पूरा का पूरा बदल चुका है, जो कि पहले वाले मॉडल से थोड़ा सा यहाँ पर लंबा कर दिया है।
पीछे की साइड में चलते हैं तो यहाँ भी आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग के सेटअप के साथ। रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है। ये वही वाला शॉकर है जो आपको स्प्लेंडर एक्सटेक में देखने को मिलता है और यहाँ पर 180/18 की प्रोफाइल रहने वाली है। तो पीछे वाला जो टायर है वो आपको मात्र 100 mm चौड़ा मिलता है। अगर इसमें 110 mm चौड़ा टायर होता तो मेरे हिसाब से ये बाइक और बेहतर हो सकती थी। पीछे के जो टायर की ग्रिप है वो भी आपको टोटल नई मिलती है। यहाँ पर जो एलो व्हील की जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक इसमें पेश किया गया है। यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है ये वही वाला साइलेंसर है जो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में दिया जाता है 125 cc वाली में। फोल्डेबल आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं, इसके ऊपर में एक बड़ा सा क्रोम का मफलर गार्ड है। यहाँ भी स्टील की प्लेट वगैरह मिल जाते हैं जिससे आपको जूते चप्पल पैर वगैरह हीट की वजह से ना जलें। राइडर के जो फुटपैक्स हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर 170 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है और यहाँ पर हीरो की बैजिंग है, यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट है। यहाँ से आप ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि ऑयल आपका ख़राब है या सही है। लेकिन इससे पहले वाली जो ग्लैमर आती थी यही ओल्ड वाला मॉडल, उसमें आपको लेटा हुआ इंजन मिलता था जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट माना जाता था। लेकिन ये जो इंजन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पावर और काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आपको देने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 124.8 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI2 वाल्व इंजन आपको मिलता है। ये इंजन आपको अधिकतम पावर देता है 10.53 PS की 7500 RPM तक और ये इंजन आपको 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है 6000 RPM तक। इसमें आपको बैंक एंगल सेंसर मिल जाता है, आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है और प्रोग्रामड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इसमें मिलता है। बाकी इसमें आपको 10 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की है। यहाँ पर ग्लैमर का 3D में लोगो है जो कि पूरा का पूरा क्रोम में है। बॉडी कलर है वो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ब्लैक है, नीचे में आपको थोड़ा सा आसमानी कलर का शेड आपको मिलता है। यहाँ पर हीरो की बैजिंग है स्टिकर के रूप में, यहाँ पर i3s की बैजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन आपको मिल जाता है और यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक का जो काउल है ये आपको मिलेगा फाइबर का। यहाँ पर प्रोग्रामड FI फ्यूल इंजेक्शन की आपको बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग मिलती है जैसा कि ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। बाइक का जो सर्विस इंटरवल है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 6000 किलोमीटर या फिर आपको जो बाइक की सर्विस है वो आपको 6-6 महीने बाद आपको करानी है जितनी भी बाइक चले उसके हिसाब से, ठीक। बाकी जो मिरर हैं वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं। पीछे की साइड से इसमें थोड़ा सा कलर कोटिंग आपको मिल जाएगी। 21.3 kg की ये बाइक है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है इसका, ये देखो। अब साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको जाली वाला साइड गार्ड मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी का पूरा कवर चेनसेट कवर आपको मिलता है और यहाँ पर फोल्डेबल फुटपैक्स आपको मिलते हैं और साइड स्टैंड इंजन गार्ड ऑफ सेंसर वाला फीचर्स मिल जाता है। इस बाइक में आपको टोटल 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बैंक एंगल सेंसर मिल जाता है, ऑटो सेल टेक्नोलॉजी वाला फीचर्स मिलता है, i3s टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। तो प्राइस की बात करें तो ग्लैमर 125 डिस्क LED ड्रम वाले इस वेरिएंट की जो एक्सरूम कीमत है वो है 81,998 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 98,408 रुपये। और ग्लैमर 125 डिस्क ब्रेक LED वाले इस टॉप मॉडल की जो एक्सरूम कीमत है वो है 91,798 रुपये और इसके टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत है 1,09,288 रुपये। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है ब्रज बाई व्हीलर्स हीरो शोरूम NH2 हाईवे मथुरा शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हीरो की कोई भी बाइक स्कूटर या प्रीमियम कैटेगरी की या फिर आप हीरो प्रीमियम का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप ब्रज बाई व्हीलर्स हीरो शोरूम NH2 हाईवे मथुरा शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत ग्लैमर इस बाइक की जानना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको आपके शहर की ऑन रोड कीमत रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।